हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आए हैं आगरा की सबसे फेमस दाल बाटी खाने। हम लोग बस पहुंच ही गए हैं, आप देख सकते हैं कि वो हमारे कितना नज़दीक है। आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं आगरा की फेमस दाल बाटी खाने। ये देखिए आलम तो वहाँ पे खड़ा भी हो गया। तो चलिए अब हम यहाँ की दाल बाटी भी ट्राई करेंगे। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। वाह, आप देख सकते हैं कि यहाँ की थाली कितनी अच्छी लग रही है। ये जो बाटियाँ हैं पूरी की पूरी घी में डूबी हुई हैं। और ये देखिए, ये है हमारी पनीर बाटी। इसमें आपको पनीर का स्टफ मिलेगा। इनने चटनी मतलब सैलेड में प्याज और चटनी दी है। और यहाँ पर ये है दाल। ये देखिए यहाँ का फेमस चूरमा लड्डू, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठा है और मुझे इसे खाकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब हम भी यहाँ का दाल बाटी ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि अब मैं रह नहीं सकती बिल्कुल भी। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। ये देखिए इसके अंदर पनीर की स्टफिंग है। इसे खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरी घी में तली हुई है। इस थाली को खाकर ऐसा लग रहा है कि राजस्थान का टेस्ट हमें आगरा में बैठे बैठे मिल रहा है। तो मुझे तो यहाँ की थाली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ का हरी एक सब्जी बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। स्पेशली यहाँ का चोखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और यम्मी भी है। देखने में तो ये लग ही रहा है और खाने में इतना ही कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये तो आपको यहाँ पर खुद ही खाकर पता चलेगा कि ये कितना टेस्टी है। मुझे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आलू तो ऑनियन बहुत अच्छा लगा। सुपर, मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि यहाँ का खाने के लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। इतना ज़्यादा टेस्टी है यहाँ की दाल बाटी का, तो टेस्ट ही इतना अच्छा है मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दाल बाटी खाने के लिए सुबह से ही लाइन लग जाती है। कल आप क्या 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 खाने के लिए मिलता है? हमारे यहाँ पनीर की बाटी मिलती है, दाल बाटी चोखा है, चूरमे का लड्डू है। कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर खाने के लिए, तो प्लीज़ आप यहाँ पे ज़रूर आएं। ये देखिए बिल्कुल घी में तली हुई बाटियाँ। अंकल आप कितने की थाली देते हैं? ये 50 रुपए की प्लेट है, 70 की प्लेट है। सिंपल दाल बाटी 50 रुपए की है और पनीर वाली दाल बाटी 70 रुपए की है। तो कितने सिंपल वाली कंडों पे सिकी हुई है। और जो सिंपल वाली दाल बाटी है वो कंडों पे सिकी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने रीजनेबल रेट में आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं खाने के लिए। तो आप यहाँ पर आइए, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? जल्दी से यहाँ पर आइए और यहाँ की दाल बाटी जरूर ट्राई कीजिए। दाल बाटी खाकर तो मजा आ गया, चलिए अब कुछ और ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे यहाँ का फ्रूट चाट। तो ये देखिए, ये बहुत ही ज्यादा देखने में टेस्टी लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो टेस्टी, बहुत ही ज्यादा नमकीन है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर चटनी भी डाली हुई है और ये बहुत सी वेजिटेबल्स और फ्रूट हैं। ये देखिए, अब मैं चुकंदर खाती हूँ, मुझे चुकंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नाइस, बहुत टेस्टी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिक्स चाट है, तो इसमें हम लोगों को मिलता है टमाटर, तरबूज, पपाया, बनाना, चुकंदर और आलू। इसमें मूली भी है, आप देख सकते हैं। ये पूरा मिक्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स चाट है। बहुत ही अलग टेस्टी है खाने में और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस चाट को खाकर। ये बहुत हेल्दी भी है। आप सभी को ऐसे डेली ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसे खाने से हमारी स्किन अच्छी रहती है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है और हम अच्छे रहते हैं। तो चलिए इसे खाते रहते हैं, बिकॉज मुझे चाट बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ही आप भी खा लिया करो, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए ये बहुत हेल्दी होता है। मैं टमाटर ट्राई करती हूँ।
जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं सब में फाइबर बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए हमें ये हमेशा कच्चे खाने चाहिए, इन्हें बॉयल और पील नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमने फ्रूट चाट भी फिनिश कर लिया है, चलिए देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या है, हम वो भी ट्राई करेंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल से। तो अभी हम खड़े हैं शाह मार्केट की चाट गली में। तो अभी हमने ये आलू चाट जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में, अब हम इसे खा के देखेंगे। आलू पूरा बहुत ही स्पाइसी है, बहुत ही ज्यादा हमें पानी चाहिए। तो इसकी चटनी बहुत ही तीखी है, मुझे तो नहीं लगता कि मैं इसे खा पाऊंगी, इसीलिए से आई लव ही खाएगा। नेक्स्ट जो हम ट्राई करने वाले हैं वो है शाह मार्केट चाट गली का फेमस ढोकला। आप देख सकते हैं ये बहुत ही यम्मी लग रहा है देखने में भी, तभी अब मैं इसे टेस्ट करके देखती हूँ। बहुत ज़्यादा मीठा है, नमकीन है, चटनी और कोकोनट से ऊपर गार्निश की हुई है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। चलिए हम इनसे ही पूछ लेते हैं, आप कितने टाइम से यहाँ पे वो कर रहे हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनको 1.5 साल हो गया, और यहाँ का ढोकला इतना टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लोगों की लाइन लग जाती है सुबह से ही ढोकला खाने के लिए। यहाँ का ढोकला बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरे शाह मार्केट में, सारा ढोकला ख़त्म हो जाता है, बल्कि कम ही पड़ जाता है ढोकला। बहुत ज़्यादा टेस्टी है यहाँ का ढोकला, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपको भी ऐसा यम्मी ढोकला खाना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, हमने नंबर शेयर कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आए हुए हैं प्रताप नगर जयपुर हाउस में, यहाँ का भल्ला बहुत फेमस है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर भल्ला खाने आई हूँ। तो चलिए ट्राई करते हैं यहाँ का भल्ला। तो हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं भल्ला, जो कि बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है मुझे देखने में, आई कांट वेट। चलिए अभी इसे खा के देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, और जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा क्रिस्पी है ये। तो नेक्स्ट जो हम ट्राई करने वाले हैं वो है यहाँ का स्पेशल दही भुजिया। आप देख सकते हैं ये दही में बनता है, दही और टिक्की मिला के, आप देख सकते हैं देखने में तो ये बहुत ज्यादा यम्मी लग रहा है। अब चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो टेस्टी, इसका स्वाद जो है वो हल्का सा मीठा और हल्का सा खट्टा आ रहा है, बिकॉज इसमें दही भी पड़ा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं आ गई हूँ जयपुर हाउस प्रताप नगर आगरा। यहाँ पे मोमोज बहुत अच्छे मिलते हैं, ये देखिए। तो ये खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं देखने में भी, और अब मैं इसे खा के देखूँगी कि ये कैसे हैं, इनका स्वाद कैसा है, चलिए देखते हैं। चटनी के साथ ट्राई करके देखूँगी। सो टेस्टी। इसका टेस्ट तो सच में बहुत ज़्यादा ऑसम है, और चटनी के साथ तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। हाँ भैया, आप यहाँ पे कितने दिनों से हो? 2 महीने। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनको 2 महीने करीब हो गए, और आपके पास कितनी मोमोज की वैरायटीज हैं? सोयाबीन पत्ता गोभी और फ्राई भी, और स्टीम भी, फ्राई स्टीम आपको यहाँ पे दोनों मिल सकते हैं। हाफ प्लेट और फुल प्लेट कितने की है? आप प्लेट 15 रुपए की, फुल 30 रुपए की।
हाफ प्लेट 15 रुपए की है और फुल प्लेट यहाँ की 30 रुपए की है। तो आप देख सकते हैं कितने कम रेट में आपको यहाँ पे कितना अच्छा खाना मिलता है। दुकान ज्वाला टाकी के पास में है, जयपुरा हाउस में। तो फ्रेंड्स, तो सुबह से बहुत ज्यादा स्पाइसी हो गया है, इसीलिए अभी हम लोग आए हैं महावीर कुल्फी सेंटर के यहाँ। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है और ऑर्डर करें। का बादाम शेक कितना अच्छे से डेकोरेट करके दिया है। अब हम इसे भी टेस्ट करेंगे और हमने और भी चीज़ें ऑर्डर करी हैं, हम उसे भी टेस्ट करेंगे। ये बहुत ही ठंडा है, इसे खाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह से बहुत स्पाइसी हो गया था और बहुत गर्म भी हो गया था, इसीलिए अब मुझे शांति मिली। आप देख सकते हैं इसके अंदर आइसक्रीम भी है। वाह, टेस्टी लग रही है ये। हमने बादाम शेक पूरा फिनिश कर दिया है और हम यहाँ की खाने जा रहे हैं स्पेशल मावा कुल्फी। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। हुर्रे, आप देख सकते हैं ये है यहाँ की स्पेशल मावा कुल्फी। अब इसे टेस्ट करते हैं, वेट इस बात का। बहुत ज्यादा कूल है ये तो। बहुत अंजी भैया, तो आपके पास क्या क्या है? बादाम शेक, फालूदा, आइसक्रीम, कुल्फी। अच्छा, और आप यहाँ पे कितने टाइम से हैं? 2 साल हो गए यही। अच्छा, आप बताइए, 2 साल हो गए और यहाँ पर इतना अच्छा मिलता है कुल्फी, रबड़ी, फालूदा। हम लोग भी हमेशा यहीं पर आते हैं। तो हमने सुबह से बहुत कुछ खा लिया है और अब हमें नहीं लगता कि हम इससे भी ज़्यादा खा पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलना। Thanks for watching!